Straight up to our top story, garbage woes of the national capital refuse to end. A concerted effort by the three municipal corporations to broker peace with striking unions hit a wall on Friday. Union leaders refused to back off and said they will strike work until the civic bodies clear their pending arrears. Deepa Rana gets us the latest. Sir, aap log ka meeting bhi ho gaya abhi authority ke saath. Authority ne aapko bataya bhi hai salaries aur arrears ke bare mein. Phir bhi aap log strike call off kyun nahi kar rahe? Sabse pehli baat to jo hamari do salary dene ka inhone kaam kara bada acha kara aur abhi tak hamara bakaya bhuktan bahut bhuktan hai aur is salary se hum santusht nahi hai. Hamara bahut paisa itna pada hai inke paas ki jo hum agar le lein to kabhi betiyon ki shaadi kar lenge. भाइयों की शादी कर लेंगे, बीमारियों का इलाज कर लेंगे, अपने घर मकान का मरम्मत कर लेंगे. सब झूठ बोलते हैं. ये सैलरी तो हमारी धरोहर है जो हमें मिलनी थी. लेकिन आप लोगों की वजह से जो दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, सब जगह पे कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है. एक हफ्ता आप लोगों को डिमांड करते हुए हो गया. हावेवर आप लोगों की मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ था कि दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा देना है, EDMC को 580 करोड़ देना है. जी हाँ, 580 करोड़ रुपया देना है उसे. काफ़ी हमारा जो लाभांश रुके हुए हैं, लाभांश भी नहीं है. मैं आपको बताऊँ, ये हमारे लाभांश नहीं है. दो 2003 और 2004 से माने गए हैं ना, वो हमारे करे हुए काम करे हुए का तनख्वाहों का वो एरियर है, ये वो नहीं है. और जो हम दिल्ली की जनता से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इसके अलावा कि हम, क्योंकि देखो अगर हम तोड़फोड़ करेंगे तो हमारी ही संपत्ति को नुकसान होगा. वो फीस ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस क्षेत्र वासी हैं. तो हम अपने को किसी को नुकसान ना करके सिर्फ कूड़ा फैला देते हैं, ताकि भाई हम अपना रोष व्यक्त करें. अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब हम कल से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और जब तक हमारी ये मांग डिमांडें पूरी नहीं होंगी, तब तक ये भूख हड़ताल यूं ही जारी रहेगी और किसी भी हद तक जाएंगे. लेकिन इस बार अपने ये सब लाभांश लेके रहेंगे. नहीं, छठी स्ट्राइक है, और हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है कि भाई एक महीने बाद, दो महीने बाद आपको दे दिया जाएगा पैसा. जो आपका बकाया हुआ एरियर है, मेडिकल कैशलेस कार्ड है, हमारे कर्मचारी बीमारी से मर जाते हैं और उनके लिए इलाज के लिए पैसा नहीं होता. जो हम पैसा लगाते हैं अपनी जेब से, वो भी पैसा हमको वापस नहीं दिया जाता. वो भी डिमांड में रहता है, उसे भी कम से कम. ऐसे कितने बिल पड़े होंगे जो 3-3 साल से मेडिकल कैशलेस के जो बिल पड़े हमारे, आज तक हमें नहीं मिल पाए. सो द सैनिटेशन वर्कर्स, एटलीस्ट 300 सैनिटेशन वर्कर्स अंडर द स्वच्छता कर्मचारी अभियान हैव कंटिन्यूड देयर स्ट्राइक इवन फॉर वन वीक हैज पास्ड. And they are saying that apart from their salaries, their arrears are not being paid. A section of them have also sat on an indefinite hunger strike till the time their demands have been met. We also spoke to the authorities, who tell us that it is the budget time and the EDMC is going through a budget deficit. The Delhi government owes them 582 crores, which is the fund which has not been released to them, and that is why they are unable to pay the arrears. You can watch live TV on our website mbnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at magicbricksnow. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.